बैठक हुई है और करीब करीब 90 विधानसभा के लिए अलग अलग चर्चा हुई और जितने भी समिति के सदस्य थे उन्होंने एक एक विषय पर बात किया। अलग अलग विधानसभा में पर्यवेक्षक गए थे, पर्यवेक्षकों ने भी वहां के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जो वोट दिए उनको भी निकाल के लेके आए थे, उनको सामने रखा गया। वहाँ के सांसद और लोगों का रिकमेंडेशन था, जिला अध्यक्ष का रिकमेंडेशन था और प्रदेश में दौरा करके सावधान सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कुछ नाम निकाले थे, करीब करीब सभी नामों को निकाल कर और 90 विधानसभा के लिए पैनल बनाकर दिल्ली को भेजने के लिए करीब करीब तय कर लिया गया है। इन पैनल को दिल्ली में चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक जो नाम भेजे गए हैं जिले से विधानसभा स्तर पे, वो सर कितने नामों का पैनल है? कहीं कहीं अलग अलग है, कहीं तीन है, कहीं चार है, कहीं पांच है, अलग अलग। सर कितने सिंगल नामों पे सहमति बन पाई है? अधिकांश जगह पे लोगों के नाम आए, सुझाव आए और उसमें जो मतदान के द्वारा भी काफी नाम निकल गया है, तो सभी जगह पैनल बना के उसको 18 को हम लोग जाएंगे, बैठक होगी 19 को 20 को। सर पहले चरण के जो सूची है वो पहली होगी या एक साथ दोनों चरण? उम्मीद करते हैं कि पहले चरण और दूसरे चरण दोनों की सूची, यानी काफी तो एक बैठक में ही हो जाएगा, कुछ रुकेंगे तो अगर मुझे लगता है कि 70-75 तक पहली बैठक में ही किया। बस्तर में सीटें कम है क्या? बस्तर में प्रत्याशी चयन पर किस तरह से? सभी सीट के लिए गंभीरता से जीतने लायक प्रत्याशी को की संभावना को पूरी तरीके से दोहन किया गया है और ये सोच कर कि हर दृष्टि से वो प्रत्याशी चुनाव में जीते, इसके लिए ही तो इतनी मेहनत हो रही है रात रात।